कभी रेत की नदी देखी है आपने? आपको बेशक विश्वास ना हो, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि राख में प्रकृति का ये अद्भुत करिश्मा होता है। एक वायरल वीडियो में एक रेगिस्तान के बीच से रेत की मीलों लंबी नदी बह रही है। क्या रेत की नदी भी हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है? क्या ये खबर पक्की है? एक सूखा रेगिस्तान, लेकिन बीचों बीच कल कल बहती एक नदी। पानी की नहीं, गर्म रेत की नदी। क्या इससे पहले कभी रेत की नदी देखी है आप? ये नजारा अद्भुत है, अविश्वसनीय है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर इस रेत की नदी ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। लोग लिख रहे हैं, शेयर करें रेत की बहती नदी, गजब का कुदरती करिश्मा। इराक में बालू की नदी बहती है। अभी तक केवल सुना था, पर वीडियो देखकर आश्चर्यचकित हूँ। प्रकृति के खेल का अद्भुत नजारा, जिसके बारे में कभी न सुना हो, जो कभी न देखा हो, वो जब आंखों के सामने हो तो विश्वास करना आसान नहीं होता। क्या वाकई ये प्रकृति का अजूबा है? क्या असल में ये रेत ही बह रही है, या फिर कहीं ये नजरों का धोखा तो नहीं? हमने इंटरनेट पर इस बात की छानबीन शुरू की कि इराक में भला ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी की बजाय रेत बहती है। YouTube पर हमें वायरल वीडियो जरूर मिला, लेकिन ये वीडियो पिछले 3 साल से YouTube पर मौजूद है। इससे ये तो साफ है कि ये वीडियो हाल ही का नहीं है। लेकिन रेत की नदी का क्या सच है, तो इसका जवाब भी वायरल वीडियो में ही है। ये क्या, ओले? तो ये रेत नहीं बल्कि सैकड़ों ओले बह रहे हैं। रेत की नदी बहना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो ग्रेडियंट चाहिए, दूसरा कोई लुब्रिकेंट होना चाहिए, ऐसा फोर्स जिसके चलते वो लुब्रिकेट हो जाए और तब फ्लो करे। ग्रेडियंट है तो फ्लो करेगा। तो रेत में चूंकि कोई लुब्रिकेंट होता नहीं है, और फ्लो करने का प्रश्न नहीं उठेगा। दरअसल वायरल वीडियो साल 2015 का है। आमतौर पर गर्म और सूखे इराक में नवंबर 2015 में जमकर ओले बरसे थे। जो आपको दूर से रेत दिख रही है, वो दरअसल लाखों ओले हैं जो एक साथ बह रहे हैं। ये कोई रेत की नदी नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में इराक में रेत की नदी होने का दावा करता वायरल वीडियो गलत साबित हुआ है।